भाई भरतरी को आपका यह छोटा भाई विक्रम प्रणाम करता है, नमन करता है। प्रणाम, आओ मेरे छोटे भ्राता विक्रम आओ। आज दरबार में क्यों उदास चेहरा लिए बैठे हो, क्यों आए हो, क्या कारण है भैया? किसी ने कुछ कह दिया है? किसी की तो औकात नहीं है कि मुझे कुछ कह दे। हाँ, और मैं किसी साले का हुक्म भी नहीं मानता, लेकिन जो मैंने सपने में नहीं सोचा था आज वो हो गया भैया। विक्रम, तेरा भाई एक राजा है, बता तुझसे किसी ने कुछ कहा है? हाँ भैया। एक बार मुंह खोल दे, फांसी चढ़ा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं चाहता हूं आप एक बार महारानी पिंगला को दरबार में बुलवाइए। महारानी पिंगला? हाँ। दरबार में? जी महाराज, अवश्य बुलवाइए। महारानी दरबार में हाजिर हो, संतरी मंत्री जाओ महल से महारानी को। महाराज आओ। महारानी, मैंने तो आपकी अभी आवाज को सुना था। हाँ। मेरे महाराज के श्री चरणों में इस पिंगला प्यारी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जी, कहिए कैसे बुलवाया है? किसे आशीर्वाद दे रहे हो महाराज? हमारी धर्मपत्नी है। पहले भैया की बात तो सुन ले। हाँ बोलो। जिसको आप धर्मपत्नी कह रहे हैं महाराज, ये न पत्नी कहलाने के योग्य है, न धर्म इसके साथ रहा है। भैया मैं छाती पे पत्थर धर के ये कह सकता हूँ कि ये डायन है, डंकनी है, कुलघातनी है, इसने हमारे कुल को कलंकित कर दिया। भैया विक्रम, कुल को कलंकित कर दिया। विक्रम, अरे पगले, घर की कोई बात थी उसे घर में निपटाया जा सकता है। भैया ये एक कोतवाल के साथ में चौपड़ सार खेलते हुए मैंने महलों में देखी है, ये चलन औरत है। महाराज आप सुन रहे हो इसकी बातें? इतनी देर से बक बक दे रहा है, मैं कुछ बोली तो नहीं। विक्रम मैं तो ऐसे गंगा से भी ज्यादा पवित्र मानता हूँ, सावित्री देवी पवित्र मानता हूँ। और तुम क्या कह रहे हो? क्या आपको आपके भाई के ऊपर भरोसा नहीं है? भरोसा है? आपका छोटा भाई नहीं हूँ? हाँ, प्राणों से भी प्यारा है मेरा छोटा भाई। अगर मैं आपके प्राणों से प्यारा हूँ तो भैया मेरा यकीन करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे बताने में भी लज्जा आती है, लेकिन इस दुष्टनी को चौपड़सार खेलने में लज्जा नहीं आती। महारानी साहब रुला के ही छोड़ेगा क्या? कुछ सफाई देना चाहोगी? महाराज मेरी बात सुन लो। बोलो। इसके तो मोर जैसे आंसू हैं, इसके ढोंग पाखंड पे मत जाओ। आपको तो यकीन है ना आपकी अपनी पिंगला पे? हाँ। मैं कितनी अच्छी हूँ ना, देख लो इसको कैसे कर रहा है। महाराज तुम्हारे पास कोई सबूत है? महाराज हाँ, मैं इतना ज्ञानवान तो नहीं हूँ कि दरबार में सबूत भी दिए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं सोच समझ के एक बात कह सकता हूँ इस भरे दरबार में। बोलो। मेरे लिए तो मेरे अन्नदाता भी तुम हो, मेरे लिए तो मेरे माता पिता भी तुम हो, मेरे लिए तो मेरे भाग्य विधाता परमात्मा भी तुम हो। हे भैया, परम पिता माता पिता के बाद अगर इस संसार में मुझे कोई प्यारा है तो वो तुम हो। और भरे दरबार में मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसे। विक्रम ये कोई गवाह ठोस सबूत नहीं है, आप मेरी कसम खा रहे हो। महारानी जी तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास तो सबूत भी है और गवाह भी है। गवाह भी है? रही बात जिसने अभी जो इसने ढोंग किया था ना महाराज। हाँ। ये तो कर रहा था ढोंग, लेकिन मैं सच में ही तेरी कसम खा रही हूँ कि मैं पाक साफ हूँ महाराज, यही गलत है। और अगर आपको गवाह चाहिए तो मैं पेश कर देती हूँ। पेश किया भैया, ये जो दुष्टनी झूठ बोल रही है, ऐसा है माँ का जाया नहीं मिल सकता, लुगाई तो अनेक मिल सकती है, अगर आप कहो तो मैं। तुम्हारी भाभी है कि झूठी सौगंध उठाती है? तू उठा रहा है झूठी महाराज, ऐसे भाई तो 5,000 ला दूंगी, लेकिन इतनी सुथरी लुगाई नहीं मिलेगी। मेरे साथ चलो, जल्दी आ जाओ, आ मेरे साथ, आ जा आ जा, मरवा दे इसको, आ जा आ जा, शाबाश। महारानी तुम्हारा गवाह बुलाओ, बुलाओ, पेश किए जाए दरबार में। यह दारू पीता है महाराज, दारू। आज तक तो मैंने आपको नहीं बताया, यह अपनी बड़ी भाभी को बुरी नजरों से देखता है महाराज।
साफ करवाना चाहता है। अच्छा। और तो और जो अपना नगर सेठ है ना लाला वो, हाँ? जो अपने यहाँ पुराना सेठ है, पुराना सेठ कल रो रहा था मेरे पास आके, कह रहा था कि महारानी हमें बचाओ कैसे भी। मैंने पूछा क्या हुआ, हाँ? इसके 1000 है बताए उसने मुझे, महाराज बुलवाऊं? मेरा भाई पवित्र है, मेरा विश्वास नहीं, मैं झूठ बोल सकती हूँ कभी? बिल्कुल नहीं, तुम तो बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। देख लो वही, बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकती। लुगाई का भाई की बात का यकीन कर, बुला नगर सेठ को। मेरी बात का यकीन कर, सुन नगर सेठ, इधर आ जल्दी आ जा। नगर सेठ, सेठानी भी साथ है तुम्हारे? ऐसे मत करे, कांप क्यों रहे हो? कांप रहा है? कांपे मत, मजबूत हो मजबूत। तुम्हारी सेठानी साथ लाए हो? सेठानी साथ है महाराज। बुलाओ सेठानी को। नगर सेठ जी महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज, मेरा भी प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। ये बताओ हमारी महारानी जो कह रही है क्या सत्य है ये बात? एसेट एसेट अभी मेरे हाथों से विक्रम इसकी तरफ मत देखे, डरा सेठ डरा रहा है। डरो मत वरना पता चल जाएगा। सेठ कांपती हुई हालत ये बता रही है महाराज। महाराज कांपती हालत ये बता रही है, इसने ना इसे धमका रखा है, डरा रखा है कि अगर तूने सच बोला तो मरवा दूंगा, इसलिए कांप रहा है। बनिए अगर एक शब्द भी गलत बोल गया ना तो तू और तेरी ये बनेनी। महाराज डरो मत। ए विक्रम, ये तुम दरबार में खड़े हो, ये त्रिवेणी धाम की जो पोखर है ना डुबा के मार दूंगा दोनों। ओ सेठ, अगर तूने नहीं बताई ना बात तो तुझे चक्की में पिसवा दूंगी। तुम दोनों ही शांत हो जाओ, जल्दी बता। सेठ बोलो, सच बोल, सच बोल। अरे कांपो मत, पता चल जाएगा। महाराज बोलो, आप सच्चा न्याय करते हो? बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी अभी छांट दूंगा। महाराज आपके भाई विक्रम ने महाराज मेरे घर में, महाराज अरे क्या तुम्हारे घर में क्या चोरी की है? खड़े हैं, जाओ खड़े। महाराज अरे हाँ। बात को बता, कांप रहा है? सीधे खड़े रहे, मैं तो कांप नहीं। महाराज आपके भाई विक्रम मेरे लड़के से दोस्ती कर ली महाराज। हाँ, कर ली दोस्ती और रोजाना मेरे घर आना जाना बना लिया महाराज। महाराज हाँ दोस्ती तो की है, अभी से मर जाओगे छोड़ के मत जाओ। तुम्हारे बेटे से दोस्ती की है? दोस्ती की है महाराज। हाँ। मेरे बेटे से दोस्ती करके मेरे घर आते थे डेली महाराज, शराब पीते थे मेरे घर। मेरा भाई लाला मत, तो मुझे भी मरवाओगे अपने साथ में नगर सेठ? हाँ महाराज, तेरी पीढ़ी पे पावन नहीं चलेगी, तेरा नाश जाएगा महाराज, तेरी सेठानी मरेगी महाराज। जो मेरे लड़के की घरवाली है ना महाराज, बता भी देगा उसके साथ आपके भाई विक्रम महाराज। अरे अरे चल तू मरी ले पहले विक्रम। ये बात को मैंने सुन लिया, तुम मर। महारानी मारो मत, बता नहीं रहा है, घंटा हो गया बता रहे, वो मार रही क्यों फिर? पहले तू मरी जा, कांप रहा है सूखा सा महाराज। बोलो जल्दी। आपके भाई विक्रम हाँ मेरे घर आते थे महाराज, आते हैं मेरे लड़के की घरवाली से इनके नाजायज संबंध है महाराज। अगर अगर आप सच्चे ही जैसे कि मैंने सुना है महाराज, एक न्यायकारी राजा हूँ मैं, न्यायकारी राजा हो तो महाराज भैत्री मुझे न्याय दिला दो महाराज। ठहरिए विक्रम, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा भाई, मेरा खून जो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था, आज ऐसा निकलेगा महाराज। ये दुष्ट झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है महाराज। विक्रम मेरी बात में आओ, मेरी बात सुनो। ये मुझसे भी ऐसी ऐसी बातें करता था, ये कहता था तुझे वो कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ, मेरी बातों में आजा, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आई। तुम भी पाक साफ हो? हाँ बिल्कुल पाक साफ हूँ। मेरा भाई गलत है? हाँ। अब मैं अपने भाई को इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता हूँ। भाई मत, ये भाई मेरा भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है। जाओ जला दो, इसे फांसी चढ़ा दो और इसकी आंखों को निकाल लेना। भरत नहीं ठहरी है,
और मेरी पांच धर्म पत्नी की तरफ गलत देखता है। तुम्हारी मां बरन थी, तुम्हारी भाभी थी ये। आप मुझे कत्लेआम का हुक्म? बिल्कुल हुक्म है। हे महाराज, मैं आपके हुक्म को सरोधार्य करता हूँ, लेकिन क्या मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी की जा सकती है महाराज? हाँ, बोलो। महाराज मत सुनो अब इसकी बात। महारानी पैसे दे दो, पैसे पैसे तो दे महाराज। बोलो, पैसे दे दो। देखो वो पीछे पैसे मांगे जा रहे हैं महाराज, क्या हो रहा है पता नहीं। इधर सुनिए। बोलो। हे बड़े भाई, मुझे मार के अगर तुझे चैन और सुकून मिलता हो तो भले ही मार दे, लेकिन मारने से पहले एक दो मिनट भाई बना ले। बिल्कुल। और सुन रहे भाई, बोलो। मैं तो जा रहा हूं मरने के लिए। हाँ। लेकिन एक विनती कर रहा हूं आपसे। बोलो। येरा आज का बोला याद रखिए। बोलो। इस विक्रम भाई का बहुत अच्छे। बोलो। और दुनिया में देखो देगा तने बहन लुगाई का, ओ बहन लुगाई का। खानी ने ओ मानस खानी ने आई का
लुगाई का बहम लुगाई का का बहम लुगाई का